अस्सलाम वालेकुम मैडम के किचन में आप सबका वेलकम है। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ चिकन हक्का नूडल्स। सो आइए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, अब इसमें हम अपने नूडल्स डालेंगे। पहले हम इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे और इसमें फिर नूडल्स ऐड करेंगे। नूडल्स हमारे जब तक उबल रहे तब तक हम चिकन मैरिनेट कर लेते हैं। मैंने 100 ग्राम चिकन लिया है, अब इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और आधा चम्मच ब्लैक पेपर और इसमें हम ऐड करेंगे आधा चम्मच रेड चिली पाउडर। और आधा चम्मच सोया सॉस, इसे हम अच्छी तरह मिलाएंगे। चिकन आप पहले से भी मैरिनेट करके रख सकते हैं, अभी मैं तुरंत बना रही हूँ। थोड़ी देर हम इसे मैरिनेट होने के लिए रखेंगे। और मैंने एक अंडा लिया था, उसमें हम आधा चम्मच ब्लैक पेपर एक चुटकी के करें और थोड़ा सा नमक ऐड करें, ऐसे अच्छी तरह मिलाएंगे। और इसकी हम भुर्जी बनाएंगे। थोड़ा सा इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे, तेल हमारा गर्म हो जाए फिर इसमें हम अंडा डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया, अब इसमें हम अंडा डालेंगे। और इसे हम भुर्जी की तरफ चलाएंगे, भुर्जी बनाएंगे। भुर्जी हमारी बन गई है, इसे हम निकाल देंगे। और इसी पैन में हम चिकन फ्राई करेंगे। थोड़ा सा ऑयल डाला 2-3 चम्मच के करीब, तेल हमारा गर्म हो जाए फिर हम चिकन फ्राई करेंगे। नूडल्स हमारे उबल गए, हमें इसे ज़्यादा कुक नहीं करना है, इतना कुक करना है कि हमारे 80% तक कुक करना है। अब इसे हम बंद कर देंगे और इसका सारा पानी सुखा देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया, अब इसमें हम चिकन के पीसेस ऐड करेंगे। ऐसे हम पिंक होने तक फ्राई करेंगे। इसे हमें मीडियम फ्लेम पे पकाना है ताकि अंदर तक ये पक जाए। 1 से 2 मिनट में फ्राई हो जाएगा और फिर उसके हम आगे को तैयार। वेजिटेबल्स में मैंने कुछ इस तरह लिया है, पत्ता गोभी है और स्प्रिंग अनियन है और शिमला मिर्ची और मीडियम साइज की प्याज और 2 हरी मिर्च। एक से दो मिनट में हमारा चिकन फ्राई हो जाएगा। चिकन हमारा फ्राई हो गया है, इसे हम निकाल देंगे। अब इसी ऑयल में हम लहसुन की कलियां डालेंगे बारीक चॉप की हुई और गैस को एकदम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और साथ में ऐड करेंगे हम सारे वेजिटेबल्स, साथ में हम डालेंगे ताकि ये एक साथ पक जाए अच्छी तरह। हरी मिर्च, स्प्रिंग अनियन,
से हम अच्छी तरह मिलाएंगे। साथ में हम नमक ऐड करेंगे आधा चम्मच और इसे अच्छी तरह मिलाएंगे। बहुत ही टेस्टी नूडल्स बनके तैयार होते हैं। हम बंद करके इसे 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ताकि हमारी सारी सब्जियां सॉफ्ट हो जाए। 1 से 2 मिनट हो गए इसे पकाते हुए, सब्जी हमारी बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच चिली सॉस, आप ग्रीन चिली वाला भी डाल सकते हो। और 2 चम्मच सोया सॉस, और 3 टेबल स्पून टमाटर केचप। इसे हम अच्छी तरह मिलाएंगे और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे चिकन के पीसेस और अंडे की भुर्जी। इसे भी हम अच्छी तरह मिलाएंगे। साथ में हम इसे 1 मिनट के लिए पकाएंगे, उसके बाद इसमें नूडल्स ऐड करेंगे। 1 मिनट हमने इसे पका लिया, इसमें हम नूडल्स ऐड करेंगे। और इसे हम अच्छी तरह मिलाएंगे। इसे हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। नूडल्स को हमने 80% तक कुक किया था, 20% अब हम इसे और कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे बंद करके। 1 से 2 मिनट इसे लगेगा पकने के लिए, फिर हम आपको सर्व करके दिखाएंगे। हमने 1 मिनट पका दिया है, अब इसमें हम हक्का नूडल्स मसाला डालेंगे। और इसे भी अच्छी तरह मिलाएंगे। मसाले को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, ये परफेक्टली कुक हो चुका है। इसे हम सर्व करेंगे। मैंने इसे सर्व कर लिया है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा पत्ता गोभी डालेंगे और स्प्रिंग अनियन। इसे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। हमारा टेस्टी सा नूडल्स बन के तैयार है। आप इसे अपने किचन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।